अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। आज जो है दोपहर के खाने में शाही हलीम मिक्स बना रहे हैं हम लोग। अंकल कुछ और भी चीज़ें ले आए, मैंने अंकल से हलीम मंगवाया था का पैकेट। ये था दल और जो है शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये शायद एग्स हैं ना, और बच्चों के लिए आइसक्रीम्स वगैरह। और पानी जो है मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें एक इशू ये हुआ कि ये आता है मिक्स में, ठीक है, इसमें पाउडर फॉर्म में होता है। ये जो है पाउडर फॉर्म में नहीं निकला, मैं अंकल को दोबारा क्या भेजती, तो मैंने उसको जो है वहाँ पर भिगो के रख दिया है। और आज बीफ बनाएंगे, बीफ। ये मैंने भिगो जी। इशू को जिस तरह का हुआ, मैं जो हलीम बनाती हूँ वो मैं मिक्स मंगवाती हूँ, मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, पर इसमें अब दालें निकले हैं। अंकल को दोबारा मैं क्या भेजती, इसलिए मैंने कहा चलो इसको ब्लेंड कर देंगे थोड़ा, मतलब इसको मैंने भिगो दिया जैसे ही। और अब पानी भी मैंने चढ़ा दिया है। बीफ में बनाते हैं हलीम, हमेशा चिकन में बनता है। कल से अजवा बहुत फरमाइश करी थी और आज आंटी ने भी कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। पानी मैंने चढ़ा दिया है और पानी की क्वान्टिटी इसलिए मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि जब ये पकता है तो इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। इसलिए मैंने बड़ा सा दिगचा भी ले लिया। और बस अब क्यों है इसको दिखाएंगे, और डेली व्लॉगिंग यही है। ये यहाँ पे खड़ी है पागलों की तरह, चुटिया देखें इसकी, ये मदद कम तंग ज़्यादा करती है, तंग करती है। और ये रहे शैतान दूसरे, अरे वाह वाह, ये आपके घर में भी होता होगा, बहुत बुरी बात है। और ये फातिमा आप क्या कर रही है मेरी जान, बच्चे बस छोटे होते तो ये सब करते हैं। अभी ये नहा धोकर फ्रेश होकर आई और उसके काम देखें। अंकल इसके लिए आइसक्रीम ले आए, फातिमा बहुत दीवानी आइसक्रीम्स की। जब से समर स्टार्ट हुए हैं फातिमा ने माशाल्लाह बहुत आइसक्रीम खाई है। और आंटी आई थिंक फ्रेश होने गई, अंकल रूम में बैठे हैं, मासियाँ सफाई करके चली गई हैं। ये जो है टेबल वगैरह साइड कर जी, इसके हैंड वॉश करवा के आओ, जाओ बाहर से करवा के आओ, नहीं किचन से। चलो मैं आती हूँ, फातिमा छोड़ दो आलो नका जहाँ सीखे। बस सिर्फ सिंक मा वॉश कर। ये हमने मासी से इसकी चुटियाँ बनवाई टाइट ना, हाँ इस तरह बने। बस सिंपल डेली व्लॉगिंग यही है, क्या करें कहाँ जाएं। जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, जल्दी जल्दी हाँ मैं आपके वॉश करवाती हूँ। और बस आपको डेली रूटीन दिखाएंगे अपनी। फाइनली द हलीम इज़ रेडी, और इसको बड़ा टाइम लगता है भाई पकने में, स्पेशली जब आप बीफ हलीम बना रहे हो तो बताओ बहुत टाइम लगा है। बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने पराठे के साथ खाया क्योंकि सुबह मैंने 7 बजे नाश्ता किया है, एंड नाउ दिस इज़ 4:15 बजने वाले हैं। बस और रेसिपी सिंपल सी रेसिपी शान वालों की सबको ही पता है, बस अब खाना खाऊंगी। बाकी सब ने खाना खा लिया, मैं रह गई, बच्चे खा रहे हैं अभी, और वो शैतान वहाँ पे खाना खा रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ अभी आधे घंटे की लाइट चली गई, इसलिए फातिमा ने अपने कपड़े रिमूव कर दिए और ऊपर से पहने भी नहीं। अरसलान जो है ऑफिस से आ गए हैं, 4 बज गए, और अरसलान आंटी की गोद में जाके लेट गए तो ये सब गिर गए ऊपर आकर कि क्यों लेटे हो, हटो। उस पर अजवा फातिमा सब तो सब ऊपर आके गिर गए, कोई बैठने नहीं रहा अरसलान को। फातिमा को देखी किस और बैठ गई फातिमा गोद में बैठ गई। दोपहर में किया सबने थोड़ा आराम, और हलीम वलीम हमने खाया, और लगभग 5 बजे हो गए थे फारिग हम लोग। इस टाइम मैं बच्चों को मैंगो शेक बना के देती हूँ। मैंने इसमें दूध और मैंगो शेक, चीनी वीनी सब डाल दी है। सबको मैंगो शेक बनाने आता, बताना तो फसूल ही है, लोग बोलेंगे अब छोटी छोटी चीज़ें मैं बताई जा रही हैं। ये टाइम मैं बच्चों को देती हूँ क्योंकि रात के टाइम देर से सवेर से हम खाना खाते हैं, इसलिए जूस बना के आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा फ्रेश फ्रेश ठंडा मैंगो जूस। इसमें पानी भी मैं थोड़ा ऐड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है इसीलिए, और आइस में बाद में डालती हूँ जब इसको पूरा शेक कर देती हूँ। एक दो बार दोबारा इसमें आइस डाल के दोबारा से चलाती हूँ, और बस अब सर्व करते हैं। और वाइट राइस बनाए हैं हलीम के साथ क्योंकि हलीम दोपहर में थोड़ा सा खाया था सबने। बस जो है
और बाकी जो है मैंगो खाएंगे। बस व्लॉग यहीं पर था, बच्चों ने खाना खा लिया है तो बर्तन वहाँ पर हैं वॉश करने। अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और बच्चे बाहर मस्ती कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नए देखने वाले सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। फातिमा की मस्तियाँ शुरू हैं, अल्लाह हाफिज़ करेगा आरिश। चलो आरिश अल्लाह हाफिज़ करो। ये फातिमा वहाँ पर है, लाइक करें। हाँ लाइक करें, ओके फातिमा शे बाय बाय दादा। क्यों फातिमा को मस्तियाँ चढ़ गई हैं, फातिमा ने मैंगो खाया है ना। बस यहीं पे लेंगे आपसे इजाज़त, बच्चों के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।